नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में प्रगति और उन्नति लाएंगे। उन उपायों को सही विधि विधान से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि का भाव लाएंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजू शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणम्य सिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेणित आयु कामार्थ सिद्धे। इस प्रकार से सारी चीज़ों को विशेष रूप से आपके संतान इत्यादि या आपके घर परिवार का जो भी ध्यान रखता है वो कौन है, वो अनुग्रह कारक गणेश भगवान है। और गणेश भगवान का जो व्रत होता है वो लगातार आता है। व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पे होता है। व्रत के संबंधित बहुत सारी मान्यताएं हैं, संकट आपका दूर करने के लिए और आपको सुखी जीवन देने के लिए। मध्याह्न के समय श्री गणेश का पूजन किया जाता है, ये भी एक विशेष रूप से है। सावन संकष्टी चतुर्थी व्रत विधिपूर्व जो करता है उसके साथ ही साथ आपको दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करने से भी अधिक प्रसन्न होते हैं। चतुर्थी के दिन शमी के पेड़ का पूजन करना, शमी के पत्ते गणेश जी को अर्पित करना, ये भी काफ़ी हद तक दोष दुख दूर करता है। गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रसन्न होने के लिए आप उनको ध्यान करें, हाथेली देखें, कराग्रह वसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम या इत्यादि आप श्लोक पढ़ सकते हैं। तो ये सब करने से विधि विधान से आपको लाभ होगा। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, आपका थोड़ा सा आशाओं पे खरा आज उतरेगा दिन। घर के बाहर अनुकूल वातावरण मिलने से मनचाहा कार्य करने की आपको सुविधा मिलेगी। धार्मिक गतिविधियों में जाने से आपको शांति मिलेगी। स्वजन से आपको कोई आनंददायक समाचार भी प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लें और मंदिर में कोई द्रव्य इत्यादि या कुछ रख के आप जरूर दें। 6 का गुलाबी रंग स्थिर आपके लिए सिद्ध है, शुभ है। वृषभ राशि वालों, कुछ अप्रिय घटना से आपको दूरी बनाए रखना है, वैसे ये चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएंगी। प्रातःकाल का समय थोड़ा सा आलस्य में आपका बीत सकता है, लेकिन आलस्य के साथ साथ आप कुछ अपने आप में या कहीं भी किसी भी ग्रुप में आप काम करते हैं तो वर्चस्व की लड़ाई ना रखें, तालमेल से रहें। आज आपको माँ दुर्गा का ध्यान जरूर कर लेना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। मैजेंटा कलर 8 का अंक 3 का अंक शो है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, सुख और शांति से आपका दिन आज परिपूर्ण दिख रहा है। सेहत भी थोड़ी सी आपकी सामान्य बनी हुई है मिथुन राशि वालों। तो घरेलू कार्य में आपकी अधिक व्यस्तता, अगर प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तालमेल बनाना पड़ेगा दोनों में। कार्यक्षेत्र में आशा के अनुरूप व्यवसाय होने से व्यवसाय में भी धन का लाभ हो सकता है। आज आपको भगवान भास्कर का आदित्य हृदय स्त्रोत्र का जप कर लेना चाहिए। नारंगी रंग 3 का अंक आज आपके लिए शुभ है। बात करते हैं कर्क राशि की। पिछले दिन से कल से थोड़ा सा बेहतर, लगातार कुछ ना कुछ उत्तरोत्तर आपका बेहतर होता जा रहा है। वातावरण में खराब होने से कुछ मन क्रोध हो सकता है, मन खट्टा हो सकता है। मन खट्टा आपका थोड़ी धीमी गति की वजह से और ज़्यादा हो सकता है कि आपका कुछ काम बस घिसट रहा है, हो नहीं पा रहा है। भागीदारी के कारण हानि भी होने की संभावना। आज आपको सूर्य नारायण का जरूर ध्यान करना चाहिए और विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ करना चाहिए। लाल रंग 3 का अंक 7 का अंक शुभ है। बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी दिनचर्या थोड़ी सी आज अव्यवस्थित हो सकती है, लेकिन उसको व्यवस्था पे लाएं। काम के समय में दिमाग में कुछ विपरीत विचार आपके लगे रह सकते हैं, उन विचारों से थोड़ा सा दूरी बनाएं। कुछ ना कुछ आपकी कुछ कमी दिख रही है, लेकिन उससे भी आज आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मित्र परिवार के साथ मनोरंजन में आप अपना समय व्यतीत करें, बहुत अच्छा समय आपको मिलेगा। आज आपको श्री सूक्त का पाठ जरूर कर लेना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए। लाल और पिंक कलर आपके लिए सही है, 2 का 1 का दोनों अच्छे हैं आपके लिए। बात कर लेते हैं कन्या राशि। आपको फिजूल की बात से मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए। कुछ बातें आपके घरेलू वातावरण या आपके आसपास कुछ तनाव पहले से पैदा कर रही हैं, लेकिन आज आपको शांत रह के धन या अन्य विषयों को लेकर कुछ बहस इत्यादि करने से आज आपको बचना चाहिए। पर्यटन की योजना पूर्व नियोजित है तो या बिगड़ सकती है या आपको कुछ धन की कमी आने की समस्या बन सकती है।
गौ सेवा कर लीजिए, आपको जरूर लाभ होगा। मेहंदी कलर एक कंक आज आपके लिए शुभ है। बात कर लेते हैं तुला राशि की, थोड़ा मिला जुला फल आज आपको मिलेगा। मिला जुले फल का मतलब ये हुआ कि मध्यान्ह तक का समय तो आपको ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आ सकती है खर्चों की एक समस्या। तो तुला राशि वालों, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ टकराव होता हुआ आपका नजर आ रहा है। अन्नदानम श्रेष्ठ जानम, आज आपको चार प्रकार के अन्न जरूर दान करना चाहिए। दस का और नीला रंग आज आपके लिए शुभ है। बात करते हैं वृश्चिक राशि, थोड़ा सफलतादायक आपका रहेगा, फलदायक आज आपका समय रहेगा। कुछ विशेष कार्य नहीं करने पर थोड़ा आलस्य आपको आ सकता है। वृश्चिक राशि वालों, प्रतिकूल सेहत आपकी रह सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों, निष्क्रियता भाव की आप अगर हैं तो निष्क्रिय भाव से आप निकलें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और बृहस्पति देव का आज आप ध्यान करें, आपको लाभ होगा। लाल रंग चार अंक, गुलाबी रंग शुभ है। बात करते हैं धनराशि की, आज आप थोड़ा सा अपने शौक को थोड़ा कंट्रोल करें, लेकिन आप उसी में व्यतीत करना पसंद भी करेंगे। आज आपको अपनी चीज़ों को एक्सपोज करने से थोड़ा बचना चाहिए। रिश्तेदारी से शुभ समाचार आपको प्राप्त होता हुआ देखा जा रहा है। उत्तम भोजन वाहन का आपको सुख प्राप्त होगा और इसी के साथ ही आज धनुराशि वालों, उपवेय भी आपका अधिक हो सकता है। कच्चा दूध ले लें, चांदी के लोटे से जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। तीन का अंक पीला रंग आज आपके लिए उत्तमता का परिचायक है। मकर राशि वालों, निर्णय आज आपके पिछले किए गए कुछ निर्णय कष्ट दे सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में कुछ धोखा, पर्सनल लोगों से कुछ धोखा संभावना हो सकती है। धन की समस्या आपकी खड़ी हो सकती है। तो मकर राशि वालों, आज आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है इन सब चीज़ों के चलते स्वभाव में। क्या करना है, सफ़ेद मिष्ठान आज आप किसी को भी दें या वितरित करें या पक्षियों में डालें, कुछ भी अन्न इत्यादि। हरा रंग 17 का अंक आपके लिए शुभ है। कुंभ राशि वालों की बात करें, बेहतर रहने वाला है, उत्तमता का परिचायक आज का दिन दिखा रहा है। विदेश संबंधी कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकता है और इस व्यवधान के चलते आज आकस्मिक कष्ट भी आपको किसी न किसी प्रकार से देखना पड़ सकता है। संतान लोगों को लेकर या अपने घर परिवार को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। सामाजिक रूप से भी ये दिन लेकिन थोड़ा अच्छा रहेगा। शिव जी का, श्रावण का महीने का जरूर आज आप पारण करें, लाभ होगा। पीला नीला दोनों रंग आज आपके लिए उत्तम है। 8 और 4 का अंक दोनों अच्छे हैं। मीन राशि वालों, अनुकूल आपके लिए रहेगा आज का दिन। दिन में कोई विशेष रूप से समस्या नहीं है। राशिश का दिन, विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति का इंतजार, मध्याह्न के आसपास पूर्ण होने की खुशी का प्रभाव आपको मिल सकता है। मीन राशि वालों, काम धंधा अपेक्षा अनुसार रहने से धन का लाभ भी आपको स्थिति बना सकता है। हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान जी का पूजन करना, सुंदरकांड का पाठ करना उत्तम सिद्ध होगा। भूरा रंग 4 का शुभ। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 6 जुलाई 2023 से तृतीया तिथि का मान लगा है। धनिष्ठा नक्षत्र गुरुवार का दिन, श्रावण मास शुक्ल पक्ष, शुभ समय 11:57 से 12:53, राहुकाल 2:09 से 3:54 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरु जी को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।